आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, जो हरियाणा बोर्ड के अंदर और यूपीएससी बोर्ड के अंदर 4 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है इसका, तो इसको कंसंट्रेशन के साथ में समझना है एक बार, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर है क्या, होता क्या है कि हमने कॉल सिन एरर किया था टोपी के, उसके अंदर था क्या कि शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पेमेंट कर देता है, अलॉटमेंट का पेमेंट कर देता है और कॉल्स का पैसा पेमेंट नहीं करता। एक तो एक केस था, तो ये कॉल का हम कहां डाल देते हैं, कॉल सिन एरर में डाल देते हैं। दूसरा केस क्या था कि उसने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया था, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया और कॉल का पेमेंट। दो केसेस बनते थे कि खाली कॉल का पेमेंट ना करे या अलॉटमेंट का पेमेंट ना करे। तो हम क्या करते थे, ये सारा का सारा अमाउंट कहां डाल देते थे, कॉल्स इन एरर अकाउंट के अंदर डाल देते थे। कहां डाल देते थे, कॉल्स इन एरर अकाउंट, कॉल्स इन एरर। अब क्या करता है कंपनी का जो डायरेक्टर होता है और जिन शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया कॉल और अलॉटमेंट का पैसा, उनके पास नोटिस सेंड करता है। जब तक वो पैसा नोटिस के बाद पहुंचता है तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आ पाता किसके पास, डायरेक्टर के पास में। तो डायरेक्टर क्या डिसाइड करता है, उनके शेयर फॉरफीट कर देता है। फॉरफीट ऑफ शेयर क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर और या अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट ना करे और उनके पास में नोटिस भी दे दे डायरेक्टर, और फिर डायरेक्टर के पास में पावर क्या रहती है, उनके शेयर फॉरफीट कर देता है, वापस ले लेता है मार्केट से अपने शेयर वापस ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉरफीट ऑफ शेयर, ठीक है। अब एक बात सोचना कि जब हमने शेयर इशू किए थे तो कैपिटल अकाउंट को हमने क्या, अपने कैपिटल बढ़ाने के लिए इशू किए थे, तो कैपिटल हमने क्या की थी, क्रेडिट की थी। तो अब क्या होगा, जब शेयर फॉरफीट करेंगे हम तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री देखो क्या होगी इसकी, जनरल एंट्री, जनरल ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, फॉरफीचर ऑफ शेयर की पहली एंट्री जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही तुमने याद रखना एकदम। फर्स्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर की, फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एरर टू शेयर फॉर फ्यूचर। अमाउंट लिख देंगे कैपिटल की, यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट की, यहाँ एरर की, यहाँ पे फॉरफीट। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं लिख रहा हूँ, रिलेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड, शेयर क्या कर लिया हमने, फॉरफिट कर लिया। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं लिख रहा हूँ, जो हमेशा मैं क्वेश्चन करते टाइम हमारी हेल्पफुल रहेगी। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, यहां जाएगा होल्डर से, होल्डर जितना पैसा शेयर होल्डर से अपने मंगाया इसने अमाउंट। अब कैसे पता चलेगा कितना मंगाया, मान लो क्वेश्चन पे गिवन है कि एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपए, कॉल के ऊपर 2 रुपए। क्वेश्चन में बोला दो कॉल कर लेते हैं 1 रुपए और सेकंड कॉल है हमारी, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है 1 रुपए, टोटल हो गया 10 रुपए। क्वेश्चन में बोला कि एप्लीकेशन पेमेंट कर दी, अलॉटमेंट पेमेंट कर दी, फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं की और इसी के बाद में क्या कर लिया, शेयर फॉरफीट कर लिए, यहीं पे क्या कर लिए, शेयर फॉरफीट कर लिया हमने। तो पैसा कितना मंगाया, अब सेकंड कॉल मंगाई अभी तक नहीं मंगाई है, तो कोल्डर कितना हुआ यहां तक 9 रुपीज, तो यहां मल्टीप्लाई किसमें से करेंगे 9 रुपीज। दूसरा एग्जाम, अप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 1 रुपए, सेकंड कॉल 1 रुपए। क्वेश्चन में बोला अप्लीकेशन पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया और यहीं पे क्या कर लिए, शेयर फॉरफीट कर लिए, यहीं पे क्या कर लिए, शेयर फॉरफीट कर लिए। तो ये क्या हुआ, होल्ड कितने हुए, अमाउंट 5 रुपीज, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 5 से, होल्डर समझ में आ गए।
कि जितना पैसा शेयर होल्डर सर ने मंगाया उन शेयर्स के ऊपर उतने से ही मल्टीप्लाई करके कहां डालना हमने शेयर होल्डर को फॉर पहली चीज। दूसरी अलॉटमेंट में कब जाएगा इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड यदि अलॉटमेंट का अमाउंट पेमेंट ना किया हो, जैसे इस केस में इसमें पेमेंट कर दिया तो जब इस केस में हम करेंगे एंट्री तो अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे शेयर कॉल्स इन एयर, अलॉटमेंट नहीं आया तो इसमें पेमेंट कर दी ना यहाँ पे तो अलॉटमेंट नहीं लिखा जाएगा। दूसरे केस के अंदर वो क्या कर रहा है अलॉटमेंट पेमेंट कर रहा है, अलॉटमेंट नहीं अलॉटमेंट पेमेंट नहीं कर रहा तो अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करेगा तो उस केस में क्या आएगा शेयर अलॉटमेंट आएगा। कौन सी एरर, जितना कॉल का पैसा पेमेंट नहीं किया। दूसरा फॉरफीचर में अमाउंट पेड, अमाउंट पेड जितना पैसा उसने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कितना करते इस केस में देखो इस केस में कितना पेमेंट कर दिया 8 रुपीज पेमेंट कर दिया, इसमें कितना पेमेंट किया 8 रुपए 3 रुपए 5 होल्डर था 3 रुपए पेमेंट कर दिया तो इसमें क्या जाता है अमाउंट पेड जितना शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया होगा वो कहा जाएगा शेयर फॉरफीचर के अंदर। ठीक है तो ये थी हमारी शेयर फॉरफीचर की एंट्री। इसके बाद आता है रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो रीइशू कैसे कैसे करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स का तो ये मैं बस कर रहा हूँ। उसके बाद इसके बाद में सेकंड जो पोर्शन होता है रीइशू ऑफ शेयर का होता है, देखो वो कैसे हुआ फिर एक क्वेश्चन के साथ में दोनों के दोनों टॉपिक करेंगे अच्छे से। देखो रीइशू ऑफ रीइशू कर रहे हैं रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर हमने फॉरफिट किए थे उनको क्या करेंगे करेंगे रीइशू करेंगे तो रीइशू के टाइम पे बैंक में पैसा आए तो एंट्री पास होगी रीइशू की बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर रीइशू, हमने क्या कर दिया शेयर को रीइशू कर, अब देखो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम भी डाल दिया और शेयर फॉरफीचर भी डाल दिया, इन इस इन दोनों में से एक आया दोनों चीजें डाल, तो इस केस को थोड़ा समझते हैं क्या तो देखो हुआ क्या दोस्तों शेयर फॉरफिट किए थे 200 शेयर्स, ठीक है रीइशू कर दिया उनको, फेस वैल्यू थी उनकी 10 रुपए, रीइशू कर दिया, रीइशू कर दिया कितने में 9 रुपए, रीइशू कितने में कर रहा है 9 रुपए पे रीइशू कर दिया तो क्या होगा देखो 10 रुपए का फेस वैल्यू थी 9 रुपए पे रीइशू कर दिया तो 1 रुपए का क्या होगा लॉस हुआ ना, तो जब लॉस ये फॉरफिटेड क्या होता है हमारा लॉस, रीइशू के टाइम पे जो लॉस होगा वो कहां डाला जाएगा फॉरफिटर पे डाला जाएगा। ठीक है अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहा है तो डिस्काउंट पे रीइशू करेगा तो क्या होगा जितना भी लॉस होगा उसका वो फॉरफिटर से जाएगा पहला केस। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम कब आएगा, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम ये फर्स्ट केस था कि लॉस के फेस वैल्यू है 10 रुपए, रीइशू कर रहा है 12 रुपए, कितने पे कर रहा है 12 रुपए, अब उसको प्रॉफिट हो गया ना तो प्रॉफिट, ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है प्रॉफिट, तो इनमें से एक आएगा या तो लॉस हो रहा होगा रीइशू के टाइम पे या प्रॉफिट हो रहा होगा, जब लॉस हो रहा होगा तो क्या डाल देंगे शेयर फॉरफिटर डाल देंगे, जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो क्या डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब रीइशू ऑफ शेयर करते हैं मतलब तीन टाइप से रीइशू ऑफ शेयर होता है, तीन टाइप से क्वेश्चन में लिखा होता है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करेगा तो पहला केस ले रहा हूं मैं इसका केस नंबर फर्स्ट, बेसिक बेसिक कर रहे हैं अभी क्वेश्चन पे बात करेंगे पहले बेसिक समझ लो क्या है। केस नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला होगा रीइशू
एज फुल्ली पेड अप एट रुपीज 9। तो फेस वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर 10 रुपए। ये पहला केस, कौन सा केस है? पहला केस कि री इशू एज फुल्ली पेड अप, क्या बोला? री इशू एज फुल्ली पेड अप एट रुपीज 9, मतलब शेयर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 10 रुपए। जब भी क्वेश्चन के अंदर फुल्ली पेड अप दिख जाए तो क्या देखना हमने? फेस वैल्यू देखनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन में रीशू के टाइम पे फुल्ली पेड अप दिख जाए तो क्या देखेंगे हम? फेस वैल्यू देखेंगे, ठीक है? फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कैपिटल में मल्टीप्लाई करके ला देंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारी? देखो, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो फेस वैल्यू कितनी है? 10। फुल्ली पेड अप दिया हुआ है, फेस वैल्यू देखेंगे कितनी है? 10। तो यहां लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल, कितने से मल्टीप्लाई होगा? 10 से मल्टीप्लाई होगा। नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। उसके बाद में देखो लॉस हो गया 1 रुपए का, वो डालेंगे शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर का डेबिट 1 रुपए। ये था पहला केस, क्या कि री इशू ऑफ शेयर हो रहा है, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, तो क्या देखेंगे? फेस वैल्यू देखेंगे और फेस वैल्यू के हां मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कैपिटल अकाउंट मल्टीप्लाई, ठीक है? ये था पहला केस। दूसरा केस, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में क्या बोला है? रीशू एट रुपीज 9, एट रुपीज चलो कम ले लो इसको 7, एट रुपीज 7, 7 रुपए पे क्या कर रहा है? वो रीशू कर रहा है, उसने रीशू प्राइस दे दिया, ये नहीं बताया कि शेयर कितने का, ठीक है? तो इस केस में क्या देखेंगे हम? इस केस में देखेंगे हम कोल्ड अप, कोल्ड अप कितना है? कोल्ड अप को मल्टीप्लाई करके कैपिटल में डाल देंगे, कोल्ड अप जितना भी कोल्ड अप होगा उतने को मल्टीप्लाई करके डाल देंगे कैपिटल के अंदर डाल देंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूँ। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, सेकेंड कॉल 1 रुपए, टोटल हो गया ना? नहीं, ज्यादा हो गया, तीन करना पड़ेगा, कितना हो गया टोटल? 10 रुपए। उसने बोला एप्लीकेशन पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट पेमेंट कर दिया, सेकंड कॉल पेमेंट नहीं किया, यही फोरफिट कर लिया हमने, कहा कर लिए यहीं पे फोरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद में। तो कोल्ड अप कितना हुआ यहाँ पे? कोल्ड अप हुआ 7, कितना हुआ? 7। तो देखो 7 हुआ ना, तो देखो यहाँ शेयर कितने का है? 7 का। कोल्ड अप देखना है शेयर कितने का है? 7 का। तो रेशियो कितने में कर रहा है? 7 से, नो प्रॉफिट नो लॉस, एंट्री पास कर देंगे रेशियो के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट 7, 2 शेयर कैपिटल 7 से मल्टीप्लाई। अब तुम गलती क्या करते? इस केस के अंदर सबसे ज्यादा गलती होती है कि फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 3 रुपए का लॉस दिखा देते, वो गलती नहीं करती है। तो यहां हमेशा देखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर रीशू प्राइस गिवन है, ओनली रीशू के टाइम पर रीशू प्राइस गिवन है, रीशू एट रुपीज 7, तो हमने क्या देखना है? कोल्ड अप देखना है, कितना पैसा मंगा रखा है, उतने को मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल। ये था हमारा सेकंड केस, ठीक है? अब करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या बोलता है? थर्ड केस के अंदर हमें दोनों चीजें गिवन होती है कि रीशू प्राइस कितना है और शेयर के प्राइस कितना है। बोला होगा रीशू एज रुपीज 9 एट 9 पेड अप एट रुपीज 8। रीशू एज फुल्ली पेड अप एट रुपीज 8, मतलब कि सब पेड अप कितना था? 9 रुपीज पे कितना किया? इशू कितने पे किया उसने? 8 रुपीज पे इशू किया। तो एंट्री क्या करेंगे? देखो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, देखो रीशू कितने पे किया है?
8 पे इशू किया ना 8 रुपीज, अगर 9 रुपए का शेयर था 8 पे इशू किया तो 1 रुपए का लॉस आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर 1 रुपए से 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल 9, ये है हमारा। ठीक है, ये हमारी थी सेकंड एंट्री रीइशू के टाइम, फर्स्ट फॉरफीचर थी, सेकंड रीइशू की। रीइशू के अंदर तीन केसेस आते हैं, पहला जब फुल्ली पेड अप गिवन हो क्वेश्चन के अंदर तो फेस वैल्यू देखेंगे, जब क्वेश्चन के अंदर खाली कॉल्ड अप में खाली बोला हुआ है कि कितने का रीइशू कर रहा हो तो हम देखेंगे कॉल्ड अप कितना। थर्ड केस जब क्वेश्चन में रीइशू प्राइस दे दें और कितने का शेयर है वो बता दें, पेड अप कितना है और रीइशू कितने में कर रहा है वो बता दें तो क्या करें। ठीक है, तीनों केसेस यहां पे देखो। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारे रीइशू के टाइम पे आती है, तो थर्ड एंट्री जिसको बोल सकते हैं कि ये तीनों एंट्री आती है पेपर में, चार नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये फर्स्ट सेकंड एंट्री थर्ड एंट्री, जितना भी शेयर फॉरफीचर हमारे पास में बचा, जितना भी शेयर फॉरफीचर हमारे पास में बचा उनको काटना से करेंगे कैपिटल रिजर्व। लेकिन एक बात है, उतना ही शेयर फॉर फ्यूचर हमने ट्रांसफर करना है जितने शेयर हम रीइशू कर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल पे आएंगे लेकिन बेसिक से समझो चीजें। 500 शेयर हमने क्या किए थे, फॉरफिट किए थे, इसमें से 300 शेयर हमने क्या कर लिए, फॉरफिट रीइशू कर दिए, तो 300 शेयर का जो फॉर फ्यूचर होगा ना बचा हुआ वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल। सारा का सारा नहीं करना, जितने शेयर रीइशू कर रहे हैं उतने का ही फोर्थ फीचर हमें कार्ड ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या पास होगी, शेयर फोर्थ फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मैंने इसे लिखे हैं बी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल अमाउंट। तो ये तीन एंट्री, बेसिक तीन एंट्री है हमारी जो शेयर फॉर फ्यूचर के टेंशन से पूछी जाती है। ठीक है, इसका एक सेपरेट ही चार नंबर का क्वेश्चन बनता है हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में, तो ये अच्छे से कर लेना, बहुत इजी सा छोटा सा क्वेश्चन आता है और इजी पड़ता है। तो ये थी हमारी बेसिक एंट्री, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखो पहले शेयर फॉरफिट किया हमने, तो फॉरफिट किया तो क्या हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू ऑल इन एरर टू शेयर फॉरफिचर, कैपिटल में कितना जाएगा, कितना कोल्ड अप अमाउंट होगा। दूसरा अलॉटमेंट पे यदि पेमेंट नहीं की होगी तो ये अलॉटमेंट लिखी जाएगी, अदरवाइज नहीं लिखेगी। टू ऑल इन एरर टू शेयर फॉरफिट, जितना अमाउंट पेमेंट कर दिया शेयर होल्डर ने उतना आ जाएगा। उसके बाद बैंक में रीइशू के टाइम पे जब रीइशू करेंगे तो सेकंड एंट्री पास क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बैंक में कितना जाएगा, जितने अमाउंट से रीइशू कर रहा, और यहाँ पे फॉरफिचर में जितने का लॉस हो गया रीइशू के टाइम पे, कैपिटल में जितने की फेस वैल्यू है या कोल्ड अप, तीन केसेस मैंने कराए थे उस हिसाब से। उसके बाद में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यदि ज्यादा का अमाउंट पे रीइशू कर रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट लिखा, इन दोनों में से एक आ जाएगा, इसलिए मैंने स्टार्ट लगाया, इन दोनों में से एक लिखा जाए। उसके बाद में जितना भी फोर्थ फ्यूचर बचा हमारा कहां ट्रांसफर कर देंगे, उसको कैपिटल अकाउंट के ट्रांसफर कर, कैपिटल रिजर्व में तो लिखेंगे शेयर फोर्थ फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन एक बात याद रखनी है, यदि 500 शेयर फॉरफिट किए तो 300 रीइशू कर दिए तो 300 का ही फॉरफिचर हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सा शेयर फॉरफिचर ऑफ शेयर और रीइशू ऑफ शेयर। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन में बना रहा हूं फिर हम क्वेश्चन करेंगे। बोला टू थाउजेंड शेयर्स वर फोरफीटेड
ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट टू रुपीज कॉल 3 रुपीज फेस वैल्यू ऑफ शेयर वॉज रुपीज 10। अब क्या हुआ कि 2000 शेयर हमने क्या किए हैं, फोरफिट किए हैं। क्या क्या पेमेंट नहीं किया, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 2 रुपए और कॉल 3 रुपए और फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10 रुपए फेस वैल्यू। आउट ऑफ दीज 1500 शेयर वर रीइशू केस दे रखे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। फर्स्ट में बोला रीइशू एज फुल्ली पेड अप एट रुपीज 9, फुल्ली पेड अप एट रुपीज 9। सेकंड केस में बोला रीइशू एज रुपीज एट रुपीज 8, एट रुपीज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, नेक्स्ट केस के अंदर रीइशू एज रुपीज 9 पेड अप एट रुपीज 7, एट रुपीज 7। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हमने क्रिएट किया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करते हैं, देखो है क्या क्वेश्चन की कुछ चीजें हाईलाइट कर लो कि नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट कर रहा है 2000, क्या क्या पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया और कॉल का अमाउंट पेमेंट नहीं किया 3 रुपए का, फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपए। देखो फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, क्या क्या पेमेंट नहीं कर रहा, एप्लीकेशन पेमेंट कर दी उसने, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं कर रहा और कॉल पेमेंट नहीं कर रहा। और देखो अलॉटमेंट का पैसा कितना है 2 रुपए, कॉल का कितना है 3 रुपए, टोटल कितना होना चाहिए 10, तो 5 बचा एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद इस 2000 शेयर्स में से कितने रीइशू कर दिए उसने 1500, और ये 3 केसेस गिवन है, ठीक है, ये 3 केसेस गिवन है। छोटे से क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं, देखते हैं। अब मैं पहला केस, पहले मैं फोर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री पास कर रहा हूं, फोर फीचर ऑफ शेयर, देखो फोरफिट करेंगे तब क्या एंट्री पास होगी वो देखो। फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, फोरफिचर केस में कॉमन ही होंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्या हो, 2000 शेयर फोरफिट कर रहा और क्या क्या पेमेंट नहीं कर रहा, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं कर रहा, कॉल का अमाउंट पेमेंट नहीं कर रहा, तो एंट्री पास होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो होल्डअप क्या है, होल्डअप कितना है, सारा पैसा मंगा लिया उसने, कॉल तक पैसा मंगा रखा है सारा। अब एक ही कॉल रहती है क्वेश्चन के अंदर, तो सारा पैसा मंगा लिया, 10 के 10 रुपए मंगा लिए, तो एंट्री पास होगी 2000 मल्टीप्लाई बाय में 10, 20,000 पहली बात। दूसरी अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करा, अलॉटमेंट भी लिखी जाएगी 2 शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का कितना पैसा है, देखो 2 रुपए थे 2000 मल्टीप्लाई बाय में 2 कितना आ गया 4000। टू पॉलिसी एरर, पॉलिसी एरर, पॉलिसी एरर, देखो 3 रुपए का कॉल था, 3 रुपए के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं कर रहा हो, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय में 3 कितना आ गया 6000। इसके बाद में 2 शेयर फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा 2000। अब देखो दो वे है फॉर फ्यूचर निकालने के,
है तो इसमें से इनका टोटल लेस कर दो, या हमें बेसिक अपना क्लियर करने के लिए ये पता होना चाहिए कि फोरफीचर आया था। मैंने एक चीज लिखा है कि इतना पैसा उसने पेमेंट कर दिया उतना कहा लिखा जाएगा, शेयर फोरफीचर लिखा जाएगा। 2000 शेयर है, कितना पेमेंट कर दिया, 500 पेमेंट कर दिया ना, तो 575 कर दो, कितना आएगा, इनका एडिशन कितना है 10,000, इसमें से लेस करो कितना आया 10,000, दोनों में से कर सकते हैं। तो ये तो हमारी क्या थी, फोरफीचर हो शेयर की, ठीक है। अब मैं केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, कौन से वाला, ये वाला, ये रीइशू ऑफ शेयर एज फुल्ली पेड अप एट ₹9, मतलब फुल्ली पेड अप गिवन है। तो मैंने एक चीज बताई जब केस कराए थे, एंट्री जब कराए थे, जब फुल्ली पेड अप दे दे हमें क्वेश्चन में, तो क्या देखनी है, फेस वैल्यू देखनी है कि फेस वैल्यू कितनी है शेयर की। देखो एंट्री पास करके केस नंबर फर्स्ट रीशो शेयर की केस नंबर फर्स्ट के अंदर एंट्री पास करेंगे, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट लगाओ, देखो बैंक कितना जाएगा, ₹9 का रीशू कर रहा है, कितने शेयर रीशू कर रहा है, 1500 शेयर रीशू कर रहा है, रीशू कर रहा है 1500, ये लिखा था आपने 1500, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय में 9, ये आ गया 30,500 टू शेयर कैपिटल। अब देखो कैपिटल में कितना जाएगा 1500, और फेस वैल्यू कितनी है ₹10, तो ₹10 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना आ गया 15,000। अब देखो नोट आ रहा है कितने का, ₹1,500, तो आएगा शेयर फोरफीचर कितना 15,000 मल्टीप्लाई बाय में, ये पहले केस के अंदर किसके एंट्री है, रीशू के। अब क्वेश्चन में एक चीज देखो, फोरफिट कितने किए थे 2000, रीशू कितने किया है 15,000। अब करेंगे कैलकुलेशन, एक वर्किंग नोट बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, देखो कैसे बनेगा, थोड़ा सा ही। अब देखो तो 2000 शेयर जो थे उसके ऊपर फोरफिटर कितना हो रहा था हमारा 10,000, तो एक फॉर्मूला बनता है कि 10,000 डिवाइडेड बाय में 2000 मल्टीप्लाई में कितने शेयर का निकालना है, 1500 शेयर का, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये आ गया 7,500। इसमें से फोरफीचर के टाइम पे लॉस कितना हो गया, रिशू के टाइम पे 1500, तो लेस लॉस हमने लेस कर दिया, निकला कितना 6,000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा 6,000। एंट्री पास करेंगे, ये फर्स्ट एंट्री फोरफीचर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली, यहां के पास होगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो रिजर्व में कितना आया, हमने वर्किंग नोट बनाया ना 6,000 का, वर्किंग नोट ऊपर जो बनाया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितना आएगा 6,000, और यहाँ पे 6,000, ये था हमारा फर्स्ट केस, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड केस, सेकंड केस जब हम रिशू प्राइस में कितना गिवन है, ₹8 गिवन है, तो क्या होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट एंट्री तो हमारी सेम होनी है, फोरफीचर और शेयर की एंट्री हर केस के अंदर सेम रहती है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में क्या होगा, रीशू कितने में कर रहा है, ₹8 पर रीशू कर रहा है, तो एंट्री देखो। अब इसमें ये ही बोल रहा ना शेयर कितने का है, तो हम क्या करेंगे, गोल्डन का फॉर्मूला देखेंगे, गोल्डन कितना है, सारा सारा पैसा मांगा रहा था ₹10, तो ₹10 से मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर कैपिटल के अंदर, तो रीशू कितने में कर रहा है ₹8 पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 मल्टीप्लाई बाय में 8, कितना आ गया 12,000 टू शेयर कैपिटल। अब फोल्ड अप देखेंगे, यहां पे क्या देखना है, फोल्ड अप, फोल्ड अप कितना है 10 रुपीज, तो 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 15,000, यहां फोल्ड अप 8 होता, मान लो इसी के बाद से फोरफिट कर लेता 7 होता, तो कितने से मल्टीप्लाई करते 7, ठीक है।
लॉस कितना हो गया, शेयर फॉर फ्यूचर, 2 रुपए का लॉस हो रहा है 10 रुपए का, 1500 मल्टीप्लाई बाय में 2 कितना आ गया 3000। ये सेकंड एंट्री। इसकी थर्ड एंट्री क्या होगी, जितना भी शेयर फॉर फ्यूचर बचा हो फंड ट्रांसफर कर लो हमने कैपिटल रिजर्व के, सेम देखो 10000 कितने का था 2000, तो 1500 कितना निकला था 700, 7500। अब लॉस कितना हो रहा है यहां पे 3000, यहां 3000 लेस करेंगे अमाउंट आएगा 4500। एंट्री पास होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व कितना आ गया 3400 और यहां पे कितना आ गया 3000, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड केस, जब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रीइशू कितने में कर रहा है, प्राइस गिवन है कितने का 9 रुपीज का, दे कितना रहा है वो 7, ठीक है। देखो अमाउंट का ड्रॉप कर देता हूं, फर्स्ट एंट्री तो सेम होनी है, यहां से ये ड्रॉप कर देता हूं। देखो बैंक में कितना जाएगा 7, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय में 7 ये आ गया 10,500। कैपिटल में कितना जाएगा 9 रुपीज से मल्टीप्लाई करके, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय में 9 कितना आ गया 13,500। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, लॉस कितना हो रहा है, शेयर कितने का था 9 रुपीज का, रिशू कितने में कर रहा है 7 पे, तो कितना आ गया 2 का लॉस हो गया हमारा, तो कितना आ गया 3 का। उसके बाद में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कैपिटल पर ट्रांसफर करेंगे इसको कैपिटल रिजर्व में, देखो 7500 आया था, लॉस कितना आ रहा है 3000 की लॉस हो रहा है हमारा, तो क्या आ गया 3000 से ज्यादा है 3500, यहां भी ये था हमारा फॉर फ्यूचर और शेयर और री